हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 एंटिसिपेटेड लेक्चर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट लेक्चर्स मुझे बहुत बहुत लंबे वक्त से इंतजार था 2021 सितंबर में मैंने लास्ट इस तरीके का कोई लेक्चर बनाया था और अभी मे दो आ गया आई रियली वॉन्टेड टू मेक सच ए लेक्चर एंड फाइनली आई एम गेटिंग एट टूडे गेटिंग द चान्स टूडे ऑल थिंग्स टू यू पीपल तो वेलकम टू मैपिंग लेक्चर वन वी विल बी कवरिंग द स्टेट्स ऑफ केरला तमिलनाडु कर्नाटका आंध्रा तेलंगाना एंड गोवा यह छः स्टेट्स इसमें कवर होगी काइंड ऑफ यू कैन से सदर्न बेल्ट ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें सेंट्रल इंडिया कवर्ड होगा फिर एक में ईस्टर्न इंडिया ऐसे ऐसे करके वील गो अबाउट इट ओके पहली चीज क्या है द थिंग्स कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर मैपिंग लेक्चर आर कॉम्प्रिहेंसिव आप देखेंगे अभी कि आपको एनवायरमेंट जोग्राफी सब लिंक करके अगर कल्चर का उसमें कोई एस्पेक्ट है तो लिंक करके कराया है इस तरीके से कि वो पूरा का पूरा रेलिवेंट है एग्जाम के लिए एवरी लाइन प्लीज़ माइंड दिस एवरी लाइन दैट आई विल सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज एवरी थिंग इज बेस्ड अपॉन द ट्रेंड्स द अकरेंसेज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्लीज़ मिसमत करिएगा ध्यान से सुनिएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ वस हेल्प मैंने जब भी मैपिंग का लेक्चर बनाया था पच्चीस हजार से ज़्यादा लोगों ने देखा है वो लेक्चर एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेक्चर्स टिल डेट तो थोड़ा सा भरोसा करके वक्त दे के देख लीजिए एक बार देन बताइएगा कैसा लगा ओके okay? अब आपको क्या करना है ये पी डी एफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक कमेंट के टॉप में पिंड होगा टॉप कमेंट में पिंड होगा बट अभी आपको यह करना है कि आप साथ साथ में रनी नोट्स बना लें थोड़े से लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन वॉट आई एम सेंग उस पर फोकस बहुत जरूरी है उस पर फोकस करते हुए अगर आप कुछ रनी नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिएगा एल्स सुन लीजिए एक बार ध्यान से ठीक है फिर एक बार पी देख लीजिएगा इसकी पी के साथ कर लीजिएगा यू विल बी लाइक like, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार होगा मैं गारंटी ले रहा हूँ ठीक है अभी मैंने दो मिनट बहुत बोल लिए आप सीधा आते हैं लेक्चर पे ओके सो वी विल बी स्टार्टिंग विद केरला ठीक है अभी आपको कुछ देख के नहीं समझ में आ रहा है दैट्स ओके आप जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे सुनते जाइए बस ठीक है केरला का तमिलनाडु का ये सबसे नीचे वाला बेल्ट आपको दिख रहा है ठीक है ये अगस्त्य मलाय बायोस्फेयर रिजर्व है जो आपको यहाँ ग्रीन में मार्ग दिख रहा है ठीक है जो ये ग्रीन में मार्क दिख रहा है दिस इज द अगस्त मलाय लाया रिजर्व बाइसफेयर रिजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ यू इसमें जो रिवर बहती है वो है तमरा तम्र तम्रपरानी, तम्रपरानी रिवर यहाँ से निकलती है ठीक है यहाँ से तम्रपरानी रिवर निकली यू कैन सी दिस दिस पर्टिकुलर थिंग और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो गई वाई इज़ दिस रिवर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज मैंशनड इन द प्रीविस क्वेश्चन तो किसी भी दिन अगला स्टेटमेंट आ जाएगा विच ऑफ दिस रिवर्स फ्लो थ्रू अगस्त मिलाय बायोस्फेर रिजर्व नाउ यू नो इट ओके यहाँ पे तीन हिल्स आप देख सकते हैं पहली है आपकी कार्डम्बम हिल फिर यहाँ पर है आपकी अगस्त्यलाय हिल्स और यहाँ पर है आपकी वरुषनाड हिल्स ठीक है तो ये तीन हिल्स द कार्डम्बम हिल्स मैं नीचे से ऊपर बता रहा हूँ ताकि आपको अरेंज करने को आ जाए तो भी याद रहे अगस्त्यलाय हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स ये सब आपका अगस्त्यलाय बास्फेर रिजर्व का पार्ट है उसी के पूरे एवेन्यू में आता है ये क्लियर नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हेयर इज दैट यहां पे एक टाइग ये एलिफेंट रिजर्व भी है विच इज द अगस्त्य मिलाय एलिफेंट रिजर्व विच इज मार्क्ड इन येलो नंबर सेवन ओके हमने तो क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे दिस इज द अगस्त माया बैल्सफेर रिजर्व यहां से तो मेरा पुरानी रिवर निकलती है इसमें तीन पीक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है विच इज द अगस्त द वरुषनाट पीक एंड द कार्डमम हिल्स तीन हिल्स हैं यहां पे ठीक है अंडरस्टूड क्लियर फिर ये जो आप देख रहे हैं नंबर फोर यहां पे ये दिस इज द अष्टामुड़ी लेक अगस्त अष्टामुड़ी रिलेट हो रहा है थोड़ा सा वही है ये दिस इज द अगस्त्य मिला बायोस्फेयर रिजर्व के पास में क्या है अष्टामुड़ी लेक है तो अगर अब आप आपसे पूछते हैं अष्टा मुडी लेक कहाँ पे है तो आपको एक आइडिया है अगर हिल्स पूछ लेते हैं कि कौन से हिल्स के आसपास है तो बता पाएंगे आप अगस्त्य मिला हिल्स ये रही केरला में है दिख रहा है अंडरस्टूड क्लियर ओके थोड़ा सा अगर आप इधर आएंगे इस वाले रीजन में सो दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा बायोस्फेयर रिजर्व है ये गल्फ ऑफ मन्नार यहां पे कौन सी रिवर आती है यहां पे आती है रिवर वैगई ओके okay. अगस्त मिला नीचे तमरा प्रानी यहां पे कौन सा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व कौन सी रिवर आती है वैगई हमेशा इस तरीके से पूछता है यूपीएससी दिस रिवर फ्लोस थ्रू व्हाट ये रिवर फलाना टिमा एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हेयर दिस दिस प्लेस दिस इज द रामेश्वरम ओके okay, रामेश्वरम राम मेरे ईश्वर हैं जो राम के ईश्वर हैं रामेश्वरम ओके नाउ लेट अस लुक एट एट दिस स्पेस इन अ बिट ऑफ अ डिटेल ओके तो देखिए सबसे पहले भी वर टॉकिंग अबाउट द अगस्तमलाय बाफेयर रिजर्व अगस्त मलाय बायोस्फेयर रिजर्व में ये एज इट इज पीवाई यूपीएससी ने पूछा था शायद दो हजार अठारह में कि इनमें से क्या क्या आता है तो नाम याद रख लीजिए शंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द मुंडन थरई टाइगर रिजर्व ये चीजें आती हैं आपकी अगस्त मिलाया बायोस्फेर रिजर्व में अंडरस्टूड ये यूपीएससी ने एज इट इज पूछ लिया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें द मुंडन थराई टाइगर रिजर्व मुंडन थराई टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अगस्त मिलाया ठीक है रिवर आपको पता चली गई है ये वाली तो अब इनमें से किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व से रिलेट करके रिवर आती है तो आपको पता रहेगी करेक्ट है बात बिल्कुल ओके okay. चलिए आगे देखिए नाउ हमने ये पढ़ा थोड़ा सा ये ऊपर वाला दिस दिस इज द मरीन नेशनल पार्क व्हाट इज इट द मरीन नेशनल पार्क ठीक है और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो मिलता है जो यूपीएससी पूछ भी चुका है विच इज द ड्यूगोंग ठीक है वॉट इज द स्टेटस ऑफ ड्यूकॉन्ग आप मुझे बताएंगे ठीक है आपका रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिकॉलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें क्लियर हो गई द अगस्तमला बायोस्फेर रिजर्व एंड द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेर रिजर्व उनमें कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कौन से टाइगर रिजर्व हैं कौन से नेशनल पार्क्स हैं क्लियर चलिए यह देख लेते हैं कि यहां पे वेटलैंड कौन से हैं और वेटलैंड कौन से वेटलैंड रामसार वाले तो यहां पे जब आप सबसे नीचे अगस्तमलास्वर रिजर्व वाली विसिनिटी में देखेंगे तो आपका सुचिंद्रम थरूर सुचिंद्रम थरूर प्लीज आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम सिंह इट रॉन्गली सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड रामसर साइट है एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी डिक्लेयर हुई है तो ये वाला एरिया दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके लेकिन साथ साथ में जो ये वाला एरिया है आपका जिससे हमने क्या पढ़ा था वेगा रिवर निकलती है इस बायोस्फेर रिजर्व के पास आपकी तीन चीजें हैं सबसे पहले यहां पे पहले से ही क्या था द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऊपर देखा हमने मरीन नेशनल पार्क ये ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक बर्ड सेंचुरी भी है एंड ऑफ कोर्स एक रामसा साइट भी है तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट एरिया है लेकिन अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पास दो और बर्ड सेंचुरी को रामसा डिक्लेयर किया गया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चित्रागुड़ी बर्थ सेंचुरी एंड द काजी काजीरम बर्ड सेंचुरी द चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी एंड द कंजीरम बर्थ सेंचुरी क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक का ये हमने देख लिया था अष्टमुड़ी लेक अष्टमुड़ी लेक कैसी है ब्रैकिश है और सष्टम कोटा लेक इसकी जस्ट ऊपर पड़ती है ये क्या है फ्रेश वॉटर है ओके ुडी सस्टम कोटा इतना एरिया डन हो गया क्लियर हो गया इतना एरिया ठीक है थोड़ा ऊपर चलते हैं चलिए ओके okay, यहां तक का क्लियर हो गया अब ये वाला बीच वाला रीजन हम देखते हैं ठीक है तो जो ये वाला रीजन है दिस कम्स अंडर नो बायोस्वर रिजर्व यह कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो भी चीजें हैं वो किसी बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर डिक्लेयर नहीं है वैसे ये बहुत ही बहुत ही वाइज रिच एरिया है ओके okay, लेकिन देर इज नो बायोस्फेयर रिजर्व हेयर ओके तो यहां पे एक आपका एलिफेंट रिजर्व पड़ता है श्री विल्लु एलिफेंट रिजर्व विच इज मार्क्ड बाय नंबर फाइव श्री विल्लू एलिफेंट रिजर्व आपका यहां पड़ता है ठीक है व्हाट इज दिस इट इज द श्री विल्लु एलिफेंट रिजर्व ठीक है दो आपकी यहां पे मेजर हिल्स पड़ती हैं विच इज द अनमलाय एंड पालनी हिल्स द अनमलाय हिल्स एंड द पालनी हिल्स तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि जो वैगई है वो कहां से निकलती है तो वेरी स्पेसिफिकली अगर आपको बताना है तो इट इज़ नियर द वुष हिल्स ओके विच इज पार्ट ऑफ नथिंग बट अनमलाय हिल्स ये आपकी अन्नामलाई हिल्स है ओके इसी में आपकी वरुषनाडु हिल्स है जहां से आपकी ये वैगई रिवर फ्लो होती है और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है क्लियर आपका ये वाला एलिफेंट रिजर्व श्रीविल्ल ठीक है अन्नामलाई और पालनी हिल्स के बीच में पड़ता है और कौन सी रिवर्स यहां से निकलती हैं पंबा बीसी के पास से निकलती है परियार बीसी के पास से निकलती है दस गिविंग इट एन ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस लेकिन ये कोई बायोस्टर रिजर्व नहीं है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है तो जब पेरियार रिवर यहां से निकलती है इस तरफ ऊपर की तरफ ये आपको दिख रहा है ना यहां पे ऐसे जा रही है पेरियार रिवर, तो एक लेक से होके गुजरती है विच इज पेरियार लेक ये यूपीएससी में पूछ चुका है एंड देन इट गोज ऑन टू ड्रेन इन टू द अरेबियन सी सिमिलरली पंबा गोज ऑन टू ड्रेन इन टू द अरेबियन सी आगे बात समझ में इसी की विसिनिटी में इसी के पास आपकी वेम्बनाड लेक पड़ती है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेम्बनाड लेक नॉट जस्ट द लॉन्गेस्ट बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बिलो सी फार्मिंग होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ठीक है अब देख लेते हैं हम कि इस एरिया में आपका कुछ और इंपॉर्टेंट भी है क्या बहुत कुछ है तभी मैं कह रहा था कि ये एरिया अभी तक बायोस्फेयर रिजर्व डिक्लेयर नहीं है बट इट इज स्टिल वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओके ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है इट इज अ टाइगर रिजर्व इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज अ नेशनल पार्क इट इज एन एलिफेंट रिजर्व बट इट इज नॉट अ बायोस्फेयर रिजर्व तो पेरियार सबसे पहले अंडरस्टूड दूसरी चीज यहां पे जो इस वाले ब्लॉक में हमने देखी थी दिस ब्लॉक में क्या क्या है यहां पे दो टाइगर रिजर्व्स हैं कौन से परम्बिकुलम विच इज इन केरला एंड श्रीविलिपथुर टाइगर रिजर्व विच इज इन तमिलनाडु वाई इज श्रीविल इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर फिफ्टी फर्स्ट ओके एंड श्रीविलिपथुर ग्रिजल इज फाउंड स्क्ल की स्पेलिंग मेरे भाई ने ग्रल लिखी है शायद आई लेव टू सी इट एक बार मुझे भी नहीं याद स्कल की स्पेलिंग हद हो गई यार यूपीएससी कर रहे हैं खैर जाना जरूरी नहीं होता है इट्स ओके ओके आगे देखते हैं यहाँ पे आपके कुछ नेशनल पार्क्स हैं पूरे की पूरी में केरला तमिलनाडु के बॉर्डरिंग रीजन पे इराविकुलम अनायमुडी शोला पंबाडम मथिकेटन शोला तो जो शोला वर्ड्स वाले हैं इराविकुलम अनायमुडी शोला पंबाडम मथिकेटन शोला दीज आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया इराविकुलम की एक खास बात क्या है कि जो नीलगिरी तहर है क्या है नीलगिरी तहर का स्टेटस आप बताएंगे मुझे जो नीलगिरी तहर है उसका सबसे बड़ी डेंसिटी सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर कहीं मिलती है तो वो इरावी कुलम में मिलती है ओके इसलिए आप ये याद रखेंगे दो टाइगर रिजर्व हैं समझ में आ गए परम्बी कुलम एंड शिविली पथुर ठीक है क्लियर हो गई बात ओके नीचे देख लेते हैं अगर यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट है तो नहीं हमने सब डिस्कस कर लिया वी हैव डिस्कस्ड द वेम्बनाड कोल विच इज अ इसका जनरली ये माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर है कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ब्रैकिश है बट इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक ओके इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है सुंदरबन थर्ड लार्जेस्ट है चिलिका और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है वेम्बनाड कोल तो फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब ऐसे लार्जेस्ट आ जाएगा फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होता है लार्जेस्ट बोलेंगे तो नहीं इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ठीक है जी समझ में आ गई बात क्लियर हो गया यहाँ तक का रीजन डन चलिए फिर वापस चलते हैं ऊपर ओके okay, चलिए ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इस वाले रीजन में ऊपर आएंगे कि जो कावेरी रिवर है वो आपकी आ रही है तो अब कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है देखिए कावेरी यहाँ से जब निकलती है इस रीजन से प्लीज़ ध्यान से देखिएगा तो हेमवती के नाम से निकलती है तो हेमवती इज़ द लॉन्गेस्ट ब्यूटी ऑफ कावेरी आप ये भी बोल सकते हैं कावेरी निकली ठीक है सबसे पहले क्या पड़ा हेमवती पे जब यहाँ से निकली तो कृष्ण राज सागर पड़ा ठीक है दूसरी चीज क्या पड़ी यहाँ पे द शिव समुद्र फॉल ये यूपीएससी पूछ चुका है ठीक है शिव समुद्र फॉल तीसरी चीज क्या है यहां पे स्टैनले रिजर्वेयर अगेन इंपॉर्टेंट केरला सॉरी कर्नाटका तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे स्टैनले रिजर्वेयर, एंड देन इट कम्स टू मीट कावेरी इनसाइड तमिलनाडु या फिर कह लीजिए कावेरी बन जाती है कावेरी से मिल जाती है कैसे भी कह लीजिए अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ इट इज़ द भवानी जो इसको यहाँ मिलती है द नोयल एंड द अमरावती ये तीन ट्रिब्यूटरीज इसकी यहाँ पे मिलती है एंड देन देन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देर आर टू प्लेसेज हेयर एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट यूपीए से सबसे ज्यादा ये पूछता है ये इस प्लेस के पास क्या है उस प्लेस के पास क्या है कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है तो देर आर टू प्लेसेज हेयर तिरुचपल्ली एंड थंजावर तिरुचपल्ली एंड देन आगे जाके ये अलग 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 स्ट्रीम्स में बैठ के आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है वन वन ऑफ ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रखनी है तो कोल्लीडम एक इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रीम है जो कावेरी से निकलती है बात समझ में आ गई कावेरी की बात समझ आ गई ऊपर से निकली देन यहां से फिर एंटर्स इन तमिलनाडु ड्रेन आगे और केरला इसके डिस्प्यूट का क्यों पार्ट बनता है बिकॉज वेरियस रिवर्स फ्रॉम केरला ड्रेन इन कावेरी देर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी स्पेशली द काबानी द भवानी ठीक है दिज आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वंस दैट ड्रेन इन इट ओके अब एक चीज यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है विच इज दिस द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व दिस इज वॉट दिस इज द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व इस नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व में कौन सी पहाड़ी आती है द नीलगिरी हिल्स ओके अगर आपसे पूछ ले नीलगिरी हिल्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है तो वो डोडा बेटा है लेकिन पूरे सदर्न बेल्ट की या पूरे वेस्टर्न घास की सबसे बड़ी पीक टोडा बेटा नहीं है इट इज द इज इन द अनाई हिल्स क्लियर और अनमलाई हिल्स हमने कहां देखी थी अभी जस्ट नीचे यहां पे ये फोर्थ नंबर ठीक है है इसके अंदर आती तो वो इसके पे सबसे ऊंची है ठीक है ओके कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे आपके तीन मेजर एलिफेंट रिजर्व हैं एंड वॉट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये तीनों के तीनों माइक की साइट्स हैं ओके okay. सारी माइक की साइड्स पढ़ाऊंगा इस बार क्योंकि एलिफेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर एक स्पीसीज का मुझे लगता है जिसका क्वेश्चन आएगा इस बार तो वो एलिफेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट को तीस साल हुए हैं शायद वहाँ पे आसाम में इसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया गया है देन अभी एक अरिकम्बम नाम का एलिफेंट था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जुडिशरी तक बात चली गई थी ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एलिफेंट इस बार के लिए ओके कमिंग बैक तो तीन कौन कौन से द मैसूर एलिफेंट रिजर्व द नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व एंड द वैनाड एलिफेंट रिजर्व ये तीन एलिफेंट रिजर्व आपके इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ते हैं क्लियर है बात तीनों के तीनों क्या है माइक साइट्स हैं विच इज दिस एरिया दिस इज द नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व आ गया समझ क्लियर है नथिंग टू एक्सप्लेन मोर इन दिस तो ये देख लेते हैं कि इन एरियाज में हमारा और क्या है ठीक है यहां तक हम देख चुके हैं दिस दिस इज डन तो ठीक है जब हम मैं कावेरी की बात कर रहा था तो कावेरी जहां आके गिरती है वहां पे पॉइंट कैलीमर बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इंपॉर्टेंट ठीक है अब इस वाले एरिया में आ जाइए दिस इज अब भरा हुआ एरिया एकदम ठीक है मैं इसको अलग से मार्क करके बताता हूँ दिस एरिया इज द एरिया ऑफ नीलगिरी बाइसफे रिजर्व इसमें बहुत कुछ आता है ठीक है सबसे पहले देखते हैं इसमें कर्नाटका में क्या आता है कर्नाटका में दो टाइगर रिजर्व आते हैं दोनों नेशनल पार्क भी हैं विच आर द नागर होल एंड द बंदीपुर यूपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है इन दोनों के बीच से जो रिवर जाती है विच कबानी रिवर द कबीनी रिवर दिस कहा गिरती है कावेरी ट्रिब्यूटरी ऑफ हेमवती कैलीजिए कावेरी कह लीजिए जो भी आएगा ठीक होगा दोनों में से ओके ये हो गया कर्नाटका के अंदर अलोंग विद कावेरी जिससे निकलती है द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलसो ये भी कहाँ? ये तो कह चलो कावेरी तमिलनाडु के जंक्शन पे हो गई बट ये दोनों स्पेसिफिकली यू कैन टॉक अबाउट इन कर्नाटका नाउ केरला में चार अरालाइफ सेंचुरी वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मलाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेनाड का आपने एलिफेंट रिजर्व भी देख लिया एंड द नेशनल पार्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने पूछा है प्रीवियसर क्वेश्चन में द साइलेंट वैली नेशनल पार्क सब कुछ केरला में रिवर समझ में आ गई कौन सी ड्रेन करती है अगर पूछ ले कल को आपसे नीलगिरी बाइसफे रिजर्व से समझ में आ गया है बताइए कभी नहीं रिवर करेक्ट बिल्कुल सही जवाब ठीक है और इधर अगर तमिलनाडु की साइड आएंगे तो इधर क्या क्या देखेंगे सबसे पहले द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ठीक है देन अपार्ट फ्रॉम दिस द मुडुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड द मुखुर्ती नेशनल पार्क ये तीनों तमिलनाडु वाले एरिया में दिस ये एरिया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व द मोडूमला नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड द मुखर्ती नेशनल पार्क सत्यमंगलम बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो याद रखिएगा इसको मिस मत करिएगा अच्छा बताइए कोई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं बताता हूँ दिस इज द पॉइंट सबको अगर किससे पूछ लो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां मिलते हैं तो सब बोलेंगे नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं बट नीलगिरी हिल्स में कहां दिक्कत हो जाएगी लोगों को यही मिलते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ठीक है तो मेरे नाम से याद रख लीजिएगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ मीट करते हैं दे मीट इन द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व उसके अलावा मुडुमलाई हो गया एंड देन द मुकुर्थी नेशनल पार्क यहां पे एक इंपॉर्टेंट वही नीलगिरी तहर हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पड़ी थी नीलगिरी तहर की हमने याद है ना भूल तो नहीं गए इराव्यू में इराव्यू कुलम येरा ठीक है जी क्लियर हो गई है बात डन यहाँ पे और छोटे छोटे कुछ वो हैं नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वो भी देख लीजिए साथ साथ जैसे अगर इस एरिया में आएंगे तो यहाँ पे दिस दिस नेशनल पार्क इज द बनेर नेशनल पार्क ठीक है देन दिस इज द कोडिंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको रटने नहीं है अगर आपको हल्की सी लोकेशन याद होगी तो आप पेपर में क्वेश्चन करके ले जाएंगे मान लिया कल को ऐसे बोल दे कोडिंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नो इट इज नॉट ना भाई वो बहुत दूर है तो इसलिए बस आपको ऐसे हल्का सा आइडिया होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ नॉट समथिंग टू बी रोट लर्न ठीक है अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ज्यादा ज़्यादा है बट प्लीज़ एक बार सुन लीजिए आप देखोगे कि आपको याद रहेगा हमेशा रहा है मुझे रहा है मैं दूसरों का क्या बोलूँ मुझे रहा है आई हैव सोल्ड क्वेश्चन भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने प्रम्स क्लियर किया नहीं किया कुछ भी दे हैव सोल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस जस्ट इसको देख लीजिए एक बार ठीक है क्लियर ये वाला एरिया समझ में आ गया चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ भी है क्या हमारे पास देखने लायक तो जहाँ कावेरी आके ड्रेन करती है वहाँ आपके दो रामसा साइट्स हैं तो एक पॉइंट कैलिमर है आपका ठीक है फिर एक है आपका ये पीचावरम मैंग्रोव एंड देन वन इम्पॉर्टेंट विच इज़ ऑल्सो रिसेंटली डिक्लेयर्ड वन इज द वडूवर बर्ड सेंचुरी द वाडूवर बर्ड सेंचुरी तो ये वाला एरिया बिल्कुल डन हो गया देन ऊपर यहां पे आएंगे तो एक क्या है रंगन थेतु बर्ड सेंचुरी ये यूपीएससी ने पूछा है रंगन थेतु बर्ड सेंचुरी है जो कि आपके अगेन रामसर साइट है कहां पे अगर पूछ ले किस कौन सी रिवर ड्रेन करती है रंगन थेतु कौन सी रिवर ड्रेन करती है कावेरी या हिमवती जो भी बोले ठीक है जी क्लियर हो गई बात वी डन समझ में आ गया चलें आगे चलिए फिर यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी ऊपर बस इसको खत्म कर लेते हैं इस वाली स्टेट को सो so, अगर आप सॉरी <coughs> अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर द पंचमलाई हिल्स दीज आर द शिवॉरे हिल्स दीज आर द जवाड़े हिल्स ठीक है ये हिल्स ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी कभी भी वापस से पलट के पूछ लेगा ठीक है दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो देखिए ये क्या है ये नंदी हिल्स हैं ये जो नंदी हिल्स हैं कर्नाटका वाली यहां से तीन रिवर निकलती हैं एक निकलती है पुन्ना ठीक है जो आगे शिवोरी हिल्स के पास से गुजर के बेफ बंगोल में जाती है दूसरी निकलती है पलार अब पलार क्यों इंपॉर्टेंट है एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जवाडी हिल्स के पास से गुजरती है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका ये दो प्लेसेस पे से गुजरती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दिस इज कांचीपुरम कांचीपुरम क्या फेमस है कांचीपुरम का एंड दिस इज ममल्लापुरम. ठीक है ममल्लापुरम वॉज पल्लवा डेनेस्टी पोर्ट महाबलीपुरम सब याद आ रहा है ना तो कौन सी रिवर यहाँ से पास होती है? द पलार रिवर यूपीएससी क्या देगा कावेरी देगा आपको याद रखना है कावेरी नहीं जाती है यहाँ से प्लीज़ रिमेंबर दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कावेरी नहीं जाती है यहाँ से यहाँ से क्या जाता है क्या जाता है यहाँ से कांचीपुरम कांचीपुरम और मल्लपुरम से कौन सी रिवर जाती है पलार कावेरी नहीं जाती है क्लियर है बात आई होप देर इज नो डाउट अबाउट इट एंड जो तीसरी रिवर यहाँ से निकलती है जो ऊपर की साइड जा रही है ओके okay? और जो आपके यहाँ से ये ये और जो आपके एक बायसफेयर रिजर्व से गुजरेगी दैट इज दिन्नार रिवर ओके okay? तो ये अभी देखिए इतने में आपका आंसर हो जाएगा ना इट गोज थ्रू द शीशाचलम शीशाचलम बायोस्फेर रिजर्व से गुजर के जाएगी ये ठीक है एंड विच हिल्स शीशाचलम हिल्स वेरी गुड ओके एंड द रया एलिफेंट रिजर्व दिस इज द रयाल एलिफेंट रिजर्व याद रखना है आपको ये क्यों याद रखना है क्योंकि क्यों याद रखना है बिकॉज इट नॉट जस्ट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ अ बायोस्फेयर रिजर्व बट ऑल्सो रिवर ड्रेन सेट द पेन्नार रिवर that's why this becomes very very important okay and then obviously the lake the pulicat lake ye to sabko pata hi hai this is the brackish water lake right clear understood ठीक है डन थोड़ा इसको नीचे देख लेते हैं हम नीचे कुछ है क्या इसमें हम्म hmm. ठीक है एक चीज जो ये इंपॉर्टेंट है दिस इज द गुंडी नेशनल पार्क ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेन्नई के पास पड़ता है चेन्नई बिंग एन इम्पॉर्टेंट सिटी दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट देन ये दो नेशनल पार्कस हैं जो जिससे ये आपकी पेन्नार गुजरती है अभी हमने पढ़ा बायस रिजर्व शीशाचलम तो उसके अंदर दो नेशनल पार्क्स आते हैं आपके रामेश्वरम एंड श्री वेंकटेश्वर रामेश्वरम एंड श्री वेंकटेश्वर तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्पीचीज़ है वो है जर्न कर्सर विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड आगे बात समझ कोई डाउट नहीं है इसमें अब ये पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है नीचे यहाँ पे बस अगर कुछ याद रखना है तो याद रख लीजिए पल्ली कर नहीं मार्च लैंड करके यहाँ पे क्या है आपका रामसर साइट है ठीक है जी डन इतना ही है मेरे पास यहाँ बताने के लिए पूरा नीचे का आपका केरला तमिलनाडु जो है वो ख़त्म हो गया है ओके चलिए ऊपर बढ़ते हैं फिर वापस से ओके okay, तो हम कर्नाटका में एंटर करते हैं ये वाला हम देख चुके हैं ये वाला हम देख चुके हैं कर्नाटका में कॉफ़ी मिलती है आपको हिल्स बड़ी फेमस हैं ये कौन से हिल्स हैं ये बाबा भुदान हिल्स यहीं पे हम बाहर से कॉफ़ी ला के हमने उगाई थी ठीक है जी फिर इसके ऊपर आओगे तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कर्नाटका में द तुंगा भद्रा रिवर तुंगा भद्रा रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है इट इज़ द ये पहले तुंग और भद्रा से मिल बनती है ठीक है एंड देन इट पासिस थ्रू द सिटी ऑफ हम्पी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इट पास थ्रू द सिटी ऑफ हम्पी यूपीएससी क्या बोलेगा कृष्णा मालप्रभा नहीं तुंगभद्रा ठीक है जी आगे पास होती है यहां पे जाके ये कृष्णा में मिल जाती है ठीक है फिर एक जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे रिवर है दैट इज द शरावती रिवर शरावती रिवर पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दिस दिस रिवर पे इस रिवर पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बल्कि एक ही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज द जोग फॉल्स ये भारत के क्या है हाइएस्ट फॉल्स हैं इसके अलावा लिंगन मक्की रिजर्वर भी है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है द जॉक फॉल्स तो यूपीएससी क्या बोलेगा तुंगा भद्रा पे है जॉक फॉल्स नहीं भैया कृष्णा पे है नहीं भैया कहाँ पे है हमें पता है शरावती पे है ठीक है जी क्लियर आई होप देर इज नो डाउट अबाउट इट नीचे चलते हैं देखते हैं और कुछ भी है क्या यहाँ पे हाँ तो तुंगा भद्रा पे दो नेशनल पार्क पड़ते हैं इस एरिया में एक है कुदेर मुख जहां स्लोथ बियर मिलता है और दूसरा भद्रा टाइगर रिजर्व तो भद्रा के नाम से तुमका भद्रा वो सिंपल है और कुदेरमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे ठीक है जी फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आओगे तो काली काली डंडेली नेशनल पार्क है ये इम्पोर्टेंट था क्यों ये टाइगर रिजर्व भी है इसको जब डिक्लेयर कर रहे थे तो थोड़ा हंगामा हुआ था एंड देन उसके ऊपर यहाँ पे मोलम नेशनल पार्क है ठीक है दिस इज़ इन वेयर इज़ द मम नेशनल पार्क इट इज़ इन गोवा गोवा यार गोवा भी नहीं घूमा जिंदगी में खैर घूमा तो बहुत कुछ नहीं बाकी इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं यहाँ पे सो दिस इज़ द सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ये आपकी मदेई है और यहाँ से जो रिवर जाती है विच इज़ द मांडवी रिवर समझ आ गई बात मोलम नेशनल पार्क ठीक है दूध सागर जो फॉल्स हैं ठीक है वो यही मिलेंगी आपको देखने को ओके okay, काली अंशी डंडेली समझ में आ गया दिस इज़ एन एलिफेंट रिज़र्व ऑल्सो काली अंशी डंडेली ठीक है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क भी है टाइगर रिजर्व भी है एलिफेंट रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है ये दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया ओके फिर गोवा में सलीम अली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सलीम अली बर्ड कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ठीक है इन द रिवर विच गोज थ्रू दिस इज द मांडवी रिवर आगे बात समझ ठीक है और कुछ यहाँ पे ठीक है इस एरिया में और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ओके लेट्स गो बैक ठीक है तो जब आप ऊपर से और कर्नाटका करेंगे तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं देखिए कृष्णा रिवर है ये आपकी ठीक है तो कृष्णा रिवर राइज कहाँ से राइज़ कर रही है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा इट राइज़ इन महाराष्ट्र फ्रॉम महाबलेश्वर फिर ये चलती 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 आती है कर्नाटका में घुसती है यहाँ पे फिर कर्नाटका से तेलंगाना तेलंगाना होते हुए तेलंगाना के रास्ते आंध्रा को जाने वाली कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाएगी ठीक है महाराष्ट्र से चल के कर्नाटका और तेलंगाना के रास्ते जाने वाली गाड़ी नंबर कृष्णा रिवर आंध्रा में जाएगी सॉरी बैड जौक खैर ओके ठीक है इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं ओके okay, तो एक है दूध गंगा दूध जी गंगा दूसरी है आपकी घाट प्रभा ओके okay, माल प्रभा ओके okay, इधर इधर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक है भीमा ओके okay, तो भीमा जो है वो कहाँ से निकलती है फ्रॉम द भीमशंकर हिल्स देन मूसी फ्रॉम द अनंतगिरी हिल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि जो मंजरा रिवर है ना वो कृष्णा में नहीं गिरती है वो आती है और ऊपर टर्न लेके गोदावरी में गिरती है गोदावरी अभी करेंगे बाद में ये बात समझ में आ गई ओके okay. तो कौन कौन सी हो गई दूध जी गंगा घाट प्रभा माल प्रभा यहां पे भीमा भीमा बहुत इंपॉर्टेंट है भीमशंकर हिल से निकलती है एंड देन मूसी ओके जी क्लियर जी ये सब इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम दे रखे हैं आपके एनसीआरटीज में हल्के में मत ना इनको ठीक है फिर यहां पे दिस दिस इज द नागर्जुना रिजर्वर कहाँ पढ़ रहा है समझ में आ रहा है ना कृष्णा पे पढ़ रहा है ऑन द बाउंड्री ऑफ आंध्र एंड तेलंगाना द नागर्जुना रिजर्वर एंड देन आगे जाके जहां कृष्णा ड्रेन करेगी ये दिस इज द मछली क्या है ये मछली पट्टनम ओके सर जी क्लियर कौन सी हिल्स हैं इसके पूरे यहां पे बीच में दीज़ आर द ये ये वाली जो हिल है दिस द वेलीकोंडा एंड दि जारदा नला मल्ला देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हिल तो अगर पूछ ले कृष्णा हिल कृष्णा कौन से हिल के पास से निकलती है आंध्रा में तो दीजादा नल्ला मल्ला हिल्स ऐसे ही पूछेगा आपको बस आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको बाकी सॉल्व कैसे करना है अगर आपको बेसिक आइडिया है तो ठीक है समझ आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ओके ये डंडी अनशेली मैंने बताया दिया था आपको डांडीली एलिफेंट रिजर्व भी है दिस वे ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट किस के पास है ये कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से मालप्रभा ठीक है जी डन विद दिस वन ओके साथ साथ हम थोड़ा सा यहीं पे गोदावरी भी देख लेते हैं तो गोदावरी कहाँ से निकलती है From द Trimbakeshwar हिल्स एंड देन यहाँ पे ड्रीन कर रही है देखिए आप गोदावरी तेलंगाना के रास्ते होते हुए आंध्रा जाती है फ्रॉम महाराष्ट्र ठीक है तो अगर पूछे क्या गोदावरी एंटर करती है इधर कर्नाटका में नहीं करती एंटर ठीक है गोदावरी के ट्रिब्यूटरी सबसे पहले मैंने मंजीरा बताई दी थी ये ओके मंजीरा पे एक जो इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी पूछ चुका है दिस इज द निजाम सागर ओके okay. क्लियर फिर इसके ऊपर यहां कौन कौन से हैं गंगा, विच इज राइज फ्रॉम अजंता इंपॉर्टेंट वर्धा विच राइजेज फ्रॉम सतपुरा इंपॉर्टेंट गंगा, विच राइज फ्रॉम महादेव हिल्स इंपॉर्टेंट जहां पे ये जंक्शन मिलता है आके वर्धा मिल गई वेन गंगा मिल गई ठीक है जहां पे सब आके पेनगंगा पेनगंगा भी धर आके मिल गए तो ट्राई जंक्शन हो गया ये फिर ये सब जाके मिल गई कहाँ तो ये जब यहाँ तीनों मिल गई तो दे फॉर्म द प्राणहिता रिवर और फिर ये प्राणहिता मिलती है आपकी गोदावरी में ठीक है ये तीनों कौन सी पेनगंगा वर्धा वेनगंगा मीच टू फॉर्म द प्राणहिता एंड देन प्राणहिता मीच गोदावरी एंड देन गोदावरी नीचे जाके ड्रेन करती है यहाँ पे एक रिवर आती है इंद्रावती वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ से आती है ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है दंड करने की पहाड़ियों से निकलती है दंड करिय रामायण से याद रखिए एंड शबरी शबरी जो ओडिशा से शबरी की जो रिवर है वो ओडिशा से आके यहाँ इसको आंध्रा में मिल जाती है एंड देन इट गोज एंड ड्रेव ड्रेन्स इन टू बे ऑफ बंगाल कहा मिलती है गोदावरी मैया जाके बे ऑफ बंगाल में आ गई बात समझ आ गई ये रिवर समझ हो गया पिक्चराइजेशन ठीक है अभी भले ही लग रहा हो कि थोड़ा ज्यादा हो गया ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है एन से पिक करके पी PY, वाई से पिक करके बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें करा रहा हूँ बहुत बहुत ऐसे ऐसी हुई है पूरा बनाने में ठीक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है चलिए आगे आ जाते हैं अब यहाँ पे ये यह हमने एरिया देख लिया था देन यहाँ पे ओबियसली uh, सबको पता है क्या इम्पोर्टेंट है दिस वॉज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व फिर ये पार्टीशन के बाद आंध्रा और तेलंगाना के अलग हो गया था तो नागार्जुन सागर सरे सरम, और दूसरी तरफ आपका अमराबाद ठीक है माउस्टेयर मिलता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाइज माउस्टेयर इंपॉर्टेंट बताएगा कोई बताएगा कोई तो बताएगा अभी मेरे साथ लाइव थोड़ी पढ़ रहा है जो कि बता देगा सॉरी ओके नागार्जुन सागर सरेसरम ओके okay. तो ये कौन से रिवर पे है दिस इज दिस इज ऑन द कृष्णा रिवर तो ये पूछ चुका है ऑलरेडी ये पूछा नहीं है कि यहाँ से रिवर कौन से निकलती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है समझ में आगे बात ऊपर आपकी गोदावरी तीन चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से निकलती है कौन कौन से हैं? ये दिखा दिखाती देख लीजिए फटाफट से ठीक है तो कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व या कवल एतुरंगम मोस्ट इंपॉर्टेंट पापीकोंडा, कोरिंगा क्यों पापीकोंडा इतना इंपॉर्टेंट है पूछ लिया था और बोल दिया था कि ये कृष्णा के बेसिन में पड़ता है यही करता है यही करता है फालतू में नहीं करा रहा हूँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कवल एथुरंगम पापीकोंडा कोरिंगा चारों गोदावरी यहाँ पे अगर कृष्णा पे देखने हैं तो नागार्जुन सागर सरेसलम अमराबाद तुमका भद्रा पे कुदेरमुख भद्रा याद रहेगा ना रहेगा मुझे विश्वास है यार अच्छे लोग हैं आप लोग क्यों नहीं याद रहेगा ठीक है और एक यहाँ पे जो की रामसर साइट है इस पूरे एरिया में कोलेरू लेक तो कोलेरू लेक किसके बीच में पड़ती है दिख रही है ना साफ साफ गोदावरी कृष्णा ओके okay जी समझ में आ गई बात कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं है इसमें ठीक है तो ये हो गया कवर ये कवर हो गया ये हो गया ओके दिस इज कवर्ड देन ये भी हमने सारा कवर कर लिया है और ये भी हमने सारा कवर कर लिया है कर लिया ना कुछ छूट तो नहीं गया हमें से ठीक है वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस अब मैं कुछ आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ थोड़ी फैक्चुअल टाइप की चीज़ें जो आपके काम आ सकती हैं तो जैसे एक है मलाबार सिवेट ठीक है कहीं स्पेस मिलेगा क्या लिखने का मुझ जैसे गरीब इंसान को ओके तो एक है आपका मलाबार सिवेट ये क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसको याद रखिएगा ठीक है फिर एक रस्टी स्पॉटेड कैट है यूपीएस ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है इसको भी रस्टी स्पॉटेड कैट क्या है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है इंडिया और श्रीलंका में मिलती है और हमारे यहाँ सदर्न इंडिया में मिलती है बस ठीक है आपसे कोई कह दे कि टाइगर्स जो है वो हाईएस्ट कर्नाटक में है नहीं गलत टाइगर्स हाईएस्ट कहाँ है एमपी में कर्नाटक में क्या है सेकंड नंबर पे आते हैं ठीक है बता पाओगे कौन से टाइगर रिजर्व पड़े थे अभी कर्नाटका में नाम बता पाओगे दोनों के नागर होल एंड बंदीपुर ऊपर भद्रा भी पड़ा था वैसे तो फिर उसके ऊपर कालियनशेली कालियंशी डंडेली पड़ा था ये चार टाइगर रिजर्व पड़े थे कर्नाटका में ठीक है ऐसे याद रखना है वैसे बार बार बोल के खुद को कौन कौन से पहले बंदीपुर पड़ा नागर होल पढ़ा फिर ऊपर गए तो भद्रा पड़ा ऊपर गए तो कालियनशी पड़ा इन दोनों के बीच से कौन सी रिवर जा रही थी यस काबिनी रिवर काहे में ड्रेन होती है कावेरी नहीं इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी एक्सीलेंट क्या बात है यार आप लोग क्या तो स्मार्ट लोग हो यार ओके okay, खैर स्मार्ट तो आप हो ठीक है फिर कर्नाटका केरला आंध्र तमिलनाडु एलिफेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के नियरली फोर्टी फाइव परसेंट एलिफेंट्स यहीं मिलते हैं थर्टी फाइव परसेंट टाइगर से मिलते हैं भारत के कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में बाईस परसेंट एलिफेंट कर्नाटका में मिलते हैं हाइएस्ट तो कर्नाटका किसके मामले में हाईएस्ट है एलिफेंट्स के मामले में और टाइगर्स के मामले में क्या है सेकंड नंबर पे आता है बात समझ में आ गई सत्यमंगलम का मैंने आपको बता दिया इस घाट व को लिंक करता है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हमें पता ही है नागार्जुन सागर सरसलम लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व येस इंपॉर्टेंट द मैसूर एलिफेंट रिजर्व बताएगा कोई मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर था मैंने बता सकता है यस एग्जैक्टली माइक की साइड कौन से बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट ठीक है ओके तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की विसीनेटी में मैसूर एलिफेंट रिजर्व आपका पड़ता है ये कुछ बस ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए अगर पूछ ले कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ हैं ठीक है जस्ट इन केस तो कॉर्बेट में हाईएस्ट हैं और कॉर्बेट कहाँ है कॉर्बेट इज इन बताइए नॉर्थ इंडिया कौन से स्टेट लिख के बता दीजिएगा दर्न इंडिया में हाइएस्ट कहाँ है बांदीपुर बांदीपुर इज इन अगेन बांदीपुर टाइगर रिजर्व नागरहोल टाइगर रिजर्व दोनों कर्नाटक। एंड बांदीपुर सेकेंड नंबर नागरहोल थर्ड नंबर दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई बात समझ में आ गया ठीक है जी और तो यहाँ पे कुछ है नहीं मेरा बताने लायक इसे मैंने बता दिया है आपको ठीक है एक तो चीज़ें और कर लेते हैं दो तो चीज़ एक तो बात और कर लेते हैं जैसे गुंडी नेशनल पार्क जो मैं आपको बता रहा था कौन सी सिटी के पास है चेन्नई के पास है यहाँ पे एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है ब्लैक बग की तो जर्नलिज्म हम ब्लैक बक पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि वो राजस्थान में मिलता होगा वो लेकिन नहीं ब्लैक बक इज़ ऑल्सो इन द गुंडी नेशनल पार्क फ्लैगशिप स्पीसीज़ है बिल्कुल एकदम यहाँ की तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा ओके बाकी मैंने आपको ये तो बताया दिया था डुगोंग मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार में गिजल स्क्वेरल मिलती है श्रीविल में देन ये भी बता दिया मैंने आपको ठीक है और एक बार लेट मी जस्ट गो थ्रू माय नोट्स अगर कुछ और मिलता है तो हम्म हम्म हु, पूरा ये समझ में आ गया ना नीलगिरी बास्फेट रिजर्व में क्या क्या है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क हैं केरला तमिलनाडु कर्नाटका सब जगह मिला के ठीक है अगर टाइगर रिज़र्व्स कौन कौन से सत्यमंगलम बोडोमलाई फ्रॉम तमिलनाडु नागरहोल बांदीपुर फ्रॉम कर्नाटका ये सब किस में पड़ते हैं आपके नॉर्मल नीलगिरी नीलगिरिबाश्वर रिजर्व में ठीक है और नेशनल पार्क्स में साइलेंट वैली है वहाँ पे ये सब हमने देख ही लिया है ठीक है ओके जस्ट गिव मी सेकेंड जस्ट सीन की ताकि को सबका बचना जाए ऐसा यहाँ पे ना अगर आप देखोगे वेयर इज़ दैट मैप ये वाला जो मैप है यहाँ पे जब आप देखोगे ना जो ये पेरियार और पम्बा है ठीक है तो यहाँ पे जस्ट पेरियार के जस्ट यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे कोची की सिटी लाई करती है ठीक है तो सिटी के बराबर के रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसलिए आपको पता होनी चाहिए ठीक है जी और कुछ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गुंडे नेशनल पार्क मैंने बताया दिया आपको चेन्नई हो गया पॉइंट कैलीमर इज द ओनली वाइल्ड लाइफ ओनली रामसा साइट ऑफ तमिलनाडु ठीक है तमिल ये रामसा साइट सारी देख ली है ना याद रखिएगा तो देखिए पूरे तमिलनाडु में पहले सिर्फ पॉइंट कैलीमर थी लेकिन अभी यही डिफरेंस है मेरे पिछले लेक्चर में और इसमें पिछले लेक्चर के टाइम पे सिर्फ पॉइंट कैलिमर हुआ करती थी अभी इस बार पीचावरम भी है पलीकर नहीं भी है ओके और भी बहुत सारी हैं ठीक है नीचे ये ये भी डिक्लेयर हो गई हैं दोनों चित्रांगुड़ी करिंजकलम सुचिंद्रम थरु इसीलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है क्योंकि ये पहले थी नहीं ये सब अभी डिक्लेयर हुई है स्पेशली दीज 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 यल्लो वंस दैट इज़ वाई दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो पूरा करंट अफेयर्स आपका यहाँ से कवर हो जा रहा है ओके okay? कर्नाटका में देख सकते हो आप पहले कर्नाटका में एक भी मोनी हुआ करती थी लेकिन अब ये डिक्लेयर हो गया रंगन थेतु और तो कोलेरू बता दिया मैंने आपको ठीक है यहाँ कृष्णा है ये कृष्णा गोदावरी के बीच में है बाकी नेशनल पार्क्स भी मैंने आपको बता दिए यहाँ के ठीक है यार डन थोड़ा सा एक मैं रिवर्स के बारे में और बता देता हूँ एक दो रिवर्स के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर इसे वाइंड अप करते हैं तो हमने सबसे पहले नीचे वर टॉकिंग अबाउट कावेरी ठीक है कावेरी कहाँ से निकलती है ताल कावेरी से ओके दक्षिण गंगा भी बोलते हैं उसको उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती काबिनी लोक पावनी भावनी नोयाल ये सब पढ़ लिया हमने एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो रह गई वो है भारत फुजा ये ये इसको क्या बोलते हैं पुन्नानी रिवर भी बोलते हैं ओके दिस इज द भारत फुजा रिवर दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है दूसरी चीज़ पलार रिवर देख ली हमने पम्बा पम्बा रिवर इज इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो आपका अयप्पा टेम्पल है द शबरीमला टेम्पल इट लाइज ऑन पम्बा तो अगर पूछ ले कि क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब इस न्यूज़ को तो वैसे सोचेगा कि लोग भूल गए सबरीमला टेम्पल से कौन सी रिवर निकलती है कौन सी रिवर वहाँ के आसपास से गुजरती है इट इज़ द पंबा ठीक है uh, कालेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है बताइए गोदावरी पे वेरी गुड और बस यार इतना ही था हो गया सब कुछ कवर लेक्चर तो मुझे नहीं पता कितनी देर का बनाए बट जितना भी बनाए ये हेल्पफुल बहुत है मुझे खुद को ही लग रहा है पढ़ के सब कुछ याद आ गया एकदम से ठीक है जी डन करें थोड़ा सा ये पी आपको मिल जाएगी वैन यू गेट दिस पी डी एफ यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरी थिंग वेरी क्विकली ठीक है अगले लेक्चर में विल कवर सेंट्रल इंडिया ऐसे करके हम तो देख लीजिए हमने क्या क्या कवर किया नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रामसर साइट्स बायोस्फेयर रिजर्व्स एलिफेंट रिजर्व्स रिवर्स हिल्स लेक्स सम स्पीसीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस भाई साहब वाकई में ज़्यादा है यार कितना सारा कवर कर लिया वेरियस रिज़र्व वॉयस कह लीजिए लेक्स कह लीजिए ये की बात है सो यू कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ठीक है जी चलिए इस लेक्चर को अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन प्लीज़ टेक केयर एंड आपको थोड़ी सी भी मेहनत अगर पसंद आई हो तो देख लीजिए एक लाल बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं आप अगर आपको सही लगे तो ठीक है जी थैंक यू सो मच हिंद वंदे मातरम